हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सब कुशवंत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अनलॉक फिजिक्स। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, बबलू और बबली। हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 12th क्लास का यूनिट फर्स्ट, और हमने टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको बताया था कि अगर ई होता है कॉन्स्टेंट, If E is constant, then flux निकालने के लिए phi is equal to, हमारे पास था formula E vector dot A vector, that is equal to E A cos theta, clear? लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो constant ना हो, variable हो जाए, non uniform हो जाए, मतलब कि अगर E हो जाए नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी सरफेस मान लेते हैं और हम लोग रखते हैं बाहर एक चार्ज को, एक चार्ज बाहर प्लस कर देते, प्लस का चार्ज मान लेते हैं बाहर। धीरे धीरे से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना, धीरे धीरे से एरिया को बढ़ाना, इसमें फ्लक्स कितना बबलू रे मिलना, जरा ये तो मुझे तू बताना। देखिए, यहां पर कोई भी हमने एक एरिया मान लिया, ये मेरे पास एरिया है। अभी ध्यान से देखो, बाहर रखा हो चार्ज, यहां पर लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है तो ई स्ट्रॉन्ग है, और यहां पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अब एक बात और देखो, हमारे पास ई का फॉर्मूला होता है 1/4πε0q/r2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कुछ और है, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है, यहां तक का डिस्टेंस कुछ और है। तो इन एवरी केस आर इज वेरिएबल, इट मींस कि सीधा सीधा ई वेरिएबल होगा इस केस में, क्लियर? तो क्या करें, अब इसका तरीका ये रहेगा कि हम इस एरिया को बहुत स्मॉल पीसेस में कर लेंगे डिवाइड। जैसे मैं यहां पर एक स्मॉल पीस मान लेता हूं, स्मॉल एरिया मान लेता हूं, इस स्मॉल एरिया का मैं नाम रखता हूं डीएस। अगर मैं इसका नाम रखता हूं ds, तो मैं इसका फ्लक्स कैसे निकालूंगा? सो phi इज इक्वल टू e तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा कैलकुलेट, जो ये एरिया है। अब इस एरिया की जगह हम लोग लिखेंगे ds cos of the angle, ये जो भी एंगल बनाएगा, क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल वेक्टर इधर बनता है, नॉर्मल इसका, तो इसका एंगल ये हो जाएगा, ये तो इसका E हो गया, तो ये इसका एंगल हो गया, तो ऐसे करके हम इसका प्लस निकाल देंगे। अब ऐसे करते करते हम इन सब एरियाज का प्लस निकाल देंगे। जैसे यहां पर एक ये ds मान लेंगे, एक ये ds मान लेंगे। जब आप स्मॉल ds की वजह से फ्लक्स निकालोगे तो उसको आप लोग d5 बोल देना, d5 इज अ फ्लक्स फॉर अ वेरी स्मॉल एरिया। अब जब हम लोग ds का निकाल लेंगे तो हम जब इन सब ds को धीरे धीरे जोड़ देंगे तो हमारे पास इस पूरी बॉडी का आ जाएगा एरिया। तो फिर क्या करेंगे, इस पूरी बॉडी का आ जाएगा फ्लक्स, सॉरी एरिया नहीं, फ्लक्स आ जाएगा। तो अब क्या करें, इन सब को, इन सब जो हमारे पास फ्लक्स आ रखे हैं, इनको कर दीजिए ऐड। तो ऐड करने का तरीका है, हम इसे यहां पर लगा देंगे इंटीग्रेशन का साइन, तो d5 विल बिकम 5 एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। तो हमारे पास अब ये वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक। अब इसके बाद अब बारी आती है गॉस की। गॉस ने क्या सजेस्ट किया, गॉस ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, और एक चार्ज इसके बीच में पड़ा हुआ है, और मान लो कुछ चार्ज या कोई चार्ज बाहर है, तो यहां पर बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो इस पूरे क्लोज सरफेस के
क्लोज सरफेस बोल रहा हूं, तो क्लोज सरफेस का मैं ये सिंबल डाल दूंगा, इसे बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम का टोटल चार्ज। चार्ज कौन सा, दो चार्ज है यहां पे, एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो हमने चार्ज लेना है जो इसके इनसाइड, तो ये जो आप देख रहे हो ये है एक्चुअली में गॉस लॉ, और हमने इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है गॉस लॉ का, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं प्लस करके, इसके चारों ओर एक सरफेस बना देते हैं जो कि क्लोज होगा, इस क्लोज सरफेस का हम लोग नाम दिया करेंगे गॉसियन सरफेस। तो अब ये गॉसियन सरफेस है, अगर ये एक गॉसियन सरफेस है, अब आप देखो कि इस गॉसियन सरफेस की खासियत क्या है, हमने एक पॉइंट चार्ज रखा और इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बना दिया जिसने इसको कर लिया है एनक्लोज। इस स्फीयर का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर, और कहीं पर भी कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लो, नाम हो तो डीएस। ये एक तरह से मान लीजिए ये सारा स्फीयर है, इसके बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। तो ये देखिए, ये इसकी रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा हूं, जो कि सारे सरफेस के ऊपर इस तरह करके आ जाएगी, मतलब कि सब बाहर को जा रही है। अब बात कर लेते हैं इसमें कोई एक पॉइंट मान लो डीएस, ये जो डीएस है तो मैंने इसको यहां पर माना हो डीएस। अब इस डीएस का अगर मैं ड्रॉ करूंगा एक परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन, तो वो जाएगी इस तरह। क्या मतलब हो रहा है, ई भी बिल्कुल बाहर निकल रहा है और डीएस भी बाहर की तरफ जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है यहां पर 0 डिग्री का। इसी तरह यहां पर भी डीएस मानिए, यहां पर भी डीएस मानिए, यहां पर भी डीएस मानिए, और सब जगह इसमें ई की डायरेक्शन और डीएस की डायरेक्शन रहती है सेम, मतलब कि एंगल रहता है सब जगह सेम, क्लियर। दूसरी बात देखो, आप जहां मर्जी चले जाओ, अगर मान लीजिए मैं यहां दोबारा ड्रॉ करता हूं इसी सरफेस को जिसका रेडियस आर है, आप किसी भी पॉइंट के ऊपर चले जाओ इसका डिस्टेंस आर ही रहने वाला है। अब हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 epsilon q/r² तो ध्यान से देखो, अगर ये हम ये तो पहले हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट क्यों हमने एक बार ले लिया, अब आप जिस भी पॉइंट के ऊपर जाओगे आपको आर की वैल्यू दोबारा फिर मिलनी है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब कि अब ये ई हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो उसकी वैल्यू आएगी हर पॉइंट के ऊपर कॉन्स्टेंट आएगी ई की वैल्यू, क्लियर। तो उसी को हम लोग यहां देखते हैं, अगर मैं यहां पर दिखाऊं कि यहां से ई निकल रहा है इस तरफ, ये तो होगी ई की डायरेक्शन, और इसका डीएस का एक जो नॉर्मल है वो ले लेते हम लोग इस तरफ, ये होगी हमारे पास डायरेक्शन डीएस, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, देख लो आप लोग अगर इसमें क्यों रखा हुआ है, तो इसमें ई जाएगा बाहर की तरफ इस डीएस का, और इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह कुछ आएगा, अगर मैं ऐसे ही एक डीएस यहां लेके चलता हूं तो इसका भी जो ई है वो बाहर की तरफ आएगा और जो इसका डीएस आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, ऐसे यहां मान के चलते हैं तो भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे को मिलती है। इन ऑल द केसेस द एंगल इज 0 डिग्री, क्लियर। अब देखिए, मैं यहां पर जहां पर मैंने डीएस माना हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं पी, अब इस पी पॉइंट के ऊपर ई की वैल्यू कितनी है, मतलब ई का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो आपके सामने, ई का मैग्नीट्यूड कितना है, सो वी विल राइट 1/4 epsilon q/r² तो ये रहा इसका मैग्नीट्यूड पी पॉइंट के ऊपर ई का, क्लियर। उसके बाद अब आप देखिए, हम इस डीएस का, इस डीएस वाले स्मॉल सरफेस का निकालते हैं फ्लक्स, तो हमको निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए वही फॉर्मूला,
ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लगाते थे, अब ए वेक्टर की जगह लगाएंगे डीएस, क्यों, क्योंकि स्मॉल मान लिया हमने। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है, ओपन कर दो इनको, ई डी एस कोस ऑफ द एंगल। अब एंगल कितना आएगा, एंगल इज जीरो डिग्री, तो इट विल बिकम ई इंटू डी एस कोस जीरो, कोस जीरो इज वन, सो इट बिकम ई इंटू डी एस। तो ये हमारे पास आ गया है फ्लक्स, किसकी वजह से फ्लक्स आ गई है, स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से। अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट की वजह से फ्लक्स आपके सामने, हमको निकालना है इस सारे सफेयर का, तो फिर क्या करेंगे भाई, आप छोटे छोटे से एरिया एलिमेंट इस सारे सफेयर पर मान लीजिए, छोटे छोटे से डीएस, और अगर आप ध्यान देखोगे हर जगह पर ई और डीएस के बीच में एंगल आपको मिलेगा जीरो डिग्री, और ई का जो है मैग्नीट्यूड वो भी हर डीएस के लिए रहेगा सेम, किसी की मर्जी बात कर लो, बाद में कर दीजिए आप इनको इंटीग्रेट। जब आप इनको करोगे इंटीग्रेट तो डी फाइव का आ जाएगा फाइव, दैट इज इक्वल टू, ई को इंटीग्रेशन से बाहर लाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू हर एक डीएस के लिए सेम है। ध्यान देखिए, ये कॉन्सेंट, ये कर दिया हमने कॉन्सेंट, ई डिपेंड अपॉन आर, लेकिन आर जब सारे सफेयर का कॉन्सेंट है तो ई ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट हो गया, और बाहर ले जाओ उसको, और ये बन गया हमारे पास कुछ ऐसा करके डीएस। क्लियर, क्लोज कर देते हैं इसको, क्लोज पूरे सरफेस का। उसके बाद देखिए, दैट इज इक्वल टू ई इनटू, अब एक सफियर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, ये सारा इसका सरफेस, ई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, सो ई की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा हो यहां पे, तो वी कैन कैंसिल 4 पाई विद 4 पाई, आर स्क्वायर विद आर स्क्वायर, एंड वी लेफ्ट विद क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका टोटल फ्लक्स, दिस इज प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्लियर, यस, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r from that charge. So consider a Gaussian surface, because we know that if there is a charge then it should be enclosed, it is said by Gauss law, it is said by Gauss. Clear? So we made a Gaussian surface. Okay, so probably what do you think, that which shape is that Gaussian surface? So answer from Bubbly is, it is a circle. What do you think? So Mr. Bubbly, sir, it is a sphere. Yes, it is a sphere. It is a sphere, because only the sphere will enclose. Sphere will enclose a charge, not a circle. So don't underestimate the power of a sphere on a 2D plane. So it is a sphere. Clear? So again, let we have very small elements, name it ds, so draw electric field lines and the direction of that surface. So electric field lines will be radially outward, and direction of ds is also like this, such that angle between them is 0 degree, angle between them is 0 degree. Now find the total flux from that sphere. So it is equal to close integral of E vector dot ds vector. Reason, because there are so many ds, and if we have to calculate the total flux, we have to add them. Clear? So total flux is equal to E vector dot ds vector. Now
upon that dot, it will become E ds cos of the angle. What is the angle? Angle is 0 degree. So that is equal to E ds cos 0. Cos 0 is 1. So it will become E ds. That is equal to E will be out of that integration, ds will be there. Now why the E is out from there? Because the formula of E is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. Now see, these are constants. So E depend upon r. And at every point on that sphere, the distance is r. So E is constant right there. Now that is equal to E into E into. Now what is the integration of that sphere? That is 4 pi r square. So this is the total flux. We will say it phi E. So total flux is A into 4 pi r square. Okay. Now we will apply Gauss law. So what the Gauss law says? Gauss law says that total flux is equal to q by epsilon naught. Now the total flux is E into 4 pi r square, that is equal to q by epsilon naught. From there E is equal to q by that 4 pi r square will go in denominator, that is 4 pi r square into epsilon naught, and we can rewrite that formula as 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So this is the electric field due to a point charge. Clear? Second application is electric field intensity due to infinite long straight conductor. एक long straight conductor है और वो infinite है. तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि एक wire, लेकिन ये इनफाइनाइट लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, ठीक है. लेकिन इनफाइनाइट लेंथ की वजह से ई नहीं निकलेगा, तो हमें इसका एक हिस्सा मानना पड़ेगा फाइनाइट, फाइनाइट जिसकी कुछ लेंथ होगी, ठीक है. अब हमने इसको चार्ज देना शुरू किया. जब हम इसको चार्ज देना शुरू करेंगे, लेट कि हमने इसको पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर दिया जा रहा है, वो खाली चार्ज नहीं है, हम उसे बोलेंगे चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी क्योंकि लाइन के ऊपर है, सो इट विल बिकम लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इसके लिए सिंबल लेके चलेंगे हम लोग लैम्डा का. लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए सिंबल लेके चलेंगे हम लोग लैम्डा. क्लियर? तो यहां पर हो क्या रहा है, एक इनफाइनाइट वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी, लैम्डा. अच्छा, पी पॉइंट मान लेते हैं कि हमने एक पी पॉइंट के ऊपर निकाल ली है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब पहले इस बात को समझा जाए कि ये जो वायर दिखा रखी है, इस वायर के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा. गॉसियन सरफेस, तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो बनेगा एक सिलेंडर. वो कैसे, कुछ इस तरह. ये मान लीजिए वायर का वो हिस्सा जो मैंने माना हुआ है फाइनाइट, और ये वायर काफी आगे तक जाती जा रही है, ठीक है. तो अब इसमें हमने मान लिया एक सिलेंडर, तो कुछ ऐसा शो हो रहा है आपको डायग्राम में, करते हैं इसको. तो इसको हम लोग सिलेंडर लेके चलेंगे. सिलेंडर हो गया, इसका हम लोग जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं r. तो r डिस्टेंस के ऊपर रखा p पॉइंट. फिर वही तरीका हमारे पास, इस p पॉइंट के ऊपर आप मान के चलिए एक स्मॉल सरफेस ds. क्लियर?
अब हमको दिखानी है इस डीएस की डायरेक्शन। अब डीएस जो है ये शो कर रहा है सरफेस, तो पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये डायरेक्शन कहां कहां आ सकती है। इसके लिए दोबारा इसको देखिए, अब हमारे को दिखाना है डीएस की डायरेक्शन। तो देखो डीएस की डायरेक्शन इस सिलेंडर के ऊपर भी आ सकती है, इस साइड भी, मेरी साइड भी और डाउन साइड भी। सिमिलरली ये जो है फेस, इनको हम बोला करेंगे गैप्स ऑफ द सिलेंडर, तो ये यहां पर भी आ रहा है डीएस, ये यहां पर भी आ रहा है, क्योंकि जितना सिलेंडर है जहां जहां इसका सरफेस दिख रहा है वहां सब जगह डायरेक्शन जरूर आएगी, कुछ इस तरह हो जाएगी इसकी ये और इसकी ये हो जाएगी। क्लियर? तो डीएस तो सब जगह जाएगा। तो डीएस की डायरेक्शन देख लेते हैं, डीएस की डायरेक्शन आपको दिखानी है हर जगह, ऊपर दिखा दी, नीचे दिखा दी, कैप्स में भी दिखा दो डीएस की डायरेक्शन और ईस्ट में भी दिखा दो, तो ये तो होगी सारी हमारी डीएस की डायरेक्शन। ई की बात कर लेते हैं, ये सारी वायर चार्ज है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से जो ई निकलेगा वो यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, मतलब ये सारी जगह पर ई जा रहा है इसका। लेकिन ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो यहां पर जो ई होगा वो इस डायरेक्शन में जो ई होगा वो नेग्लिजिबल होगा, उसको नहीं मान के चलेंगे। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ई नहीं दिखाया जाएगा, तो ई सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में दिखाया जाएगा जो कि सिलेंडर के कर्व्ड पोर्शन में होगा, ना कि कैप्स में। तो ये रहा ई इस तरफ इसका, और इसका ई दिखाना है आपने तो वो इस तरफ रहेगा। ये हमें इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकालना है, तो वो आएगा क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर दैट इज इक्वल टू। तो हम ऐसा कर लेते हैं, एक तो हम लोग बना लेते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इसके कर्व सरफेस का, ये इसका कर्व सरफेस हो गया, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ कैप्स, दोबारा फिर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये विल कैप्स इसकी, ये दोनों कैप्स, टू कैप्स हैं, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू, ये प्लस कर देते हैं यहां। तो हमारे पास जो इस बार टोटल फ्लक्स है वो बन रहा है दो हिस्सों की वजह से, एक है कर्व और एक हो गया हमारे पास कैप, दैट इज इक्वल टू, अब दोबारा डॉट प्रोडक्ट को हम लोग करेंगे ओपन, कर्व्ड ई डी एस कोस ऑफ द एंगल। अब बस इसमें एंगल पहचानना ही मेन है, तो क्वेश्चन क्या है बबलू के पास कि कर्व्ड सरफेस में एंगल कितना है E और ds के बीच में, आप लोग भी गेस कीजिए। तो कर्व्ड सरफेस में E और ds, कर्व सरफेस देखो E भी ऊपर ds भी ऊपर, इधर देखो E भी नीचे ds भी नीचे, दोनों में एंगल जीरो, तो आ गया cos 0d। अब आ जाए कैप्स में, टू ये आ गया E ds cos, एंगल देखिए, तो एंगल आप देखो यहां पर ये इसकी कैप्स हैं। E की डायरेक्शन देखो, इस तरफ कोई भी E नहीं है, इस तरफ कोई भी E नहीं है, इस तरफ ऊपर और ds इधर है, तो आप देखिए ध्यान से इन दोनों के बीच में एंगल 90 बन गया, तो cos 90 हो गया। अब cos 90 वाले क्या होते हैं, जीरो होती है, तो ये तो सारा फंक्शन ही हमारे पास हो गया जीरो, ये बच गया, दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos 0 1 होता है, ये दोबारा कर्व पार्ट में चल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू E को बाहर लेकर आए थे हम लोग, ds रहेगा यहां पर, नो दैट इज इक्वल टू। अब एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, सो दैट फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच, तो यहां पर आए थे E इंटू 2 पाई आर एच, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज L, सो इट विल बिकम E into 2 pi R, clear? मैंने निकाल गया टोटल फ्लक्स। उसके बाद एक बात और ध्यान दीजिए, यहां चलते हैं, ये मैंने लिख रखा है यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन लेंथ, नाउ व्हाट इज द चार्ज, Q लेंथ L, तो यहां से Q निकालिए, Q इज इक्वल टू L चला गया मल्टीप्लाई में लैम्डा L आ गया, तो मैंने यहां से Q भी निकाल दिया, ये टोटल फ्लक्स है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस लॉ, तो अप्लाई गॉस लॉ व्हाट इट सेज, क्लोज इंटीग्रेशन
ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन ऑन टाइम द टोटल चार्ज. नाउ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का आंसर कितना है हमारे पास, ई इंटू 2 पाई आर है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यहां से ई निकाल दीजिए, ये सब कुछ चला गया डिनोमिनेटर में, तो इट विल बिकम 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन राइट इट एज क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल. अब एक चीज हो रहेगी यहां पे, क्यू की वैल्यू पुट करनी रहती है, क्यू की वैल्यू ये निकाल रही हमने लैम्डा एल, तो मैं इसको यहीं रख देता हूं लैम्डा इंटू एल, तो दिस एल विल कैंसिल विद दिस एल, सो द आंसर विल नाउ बिकम ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो ये हमारे साथ है इसका आंसर. क्लियर, एक बात नोट करने वाली यहां पे कि यहां से ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी एक बार दे दी, बार बार नहीं दे रहे, कांस्टेंट है. सो ई का और आर का जो रिलेशन बन गया वो बन गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. क्या मीनिंग, आप डायग्राम से देखिए, जितना ज्यादा आप इस वायर से दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी.